हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ। मैं अपना नेक्स्ट रिव्यू आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओरिफ्लेम मिल्क एंड हनी गोल्ड शुगर स्क्रब, ये बहुत ही बेस्ट जो है स्क्रब है और बहुत सारी डिमांड में है आजकल। लेकिन इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पहले तो ये 600-700 में मिल जाता था, लेकिन अब 1500-1600 इसकी प्राइस है। लेकिन आजकल काफ़ी जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, आपको इजीली 1400 में जो है वो मिल जाएगा। मैंने जो है उसको अपनी एक फ्रेंड से जो है उसको परचेज किया था। फेस वॉश जो है वो मतलब हमारी स्किन को इतनी अच्छी तरीके से उसकी डस्ट को रिमूव नहीं करता, तो हमें चाहिए कि हम वीक में कम से कम एक दफ़ा जो है वो लाजमी जो है वो स्क्रबिंग करें। स्क्रब जो है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। आपकी जितनी भी डर्ट स्किन है उसको रिमूव करता है, हमारे फेस पे जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है। इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम कम से कम जो है वो वीक में एक दफ़ा जो है वो लाजमी स्क्रब करें। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें इसको मतलब स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी स्किन जो है वो ऐसे सारी गंदगी जो है वो रिमूव हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है वो हमारी स्किन क्या है वो ग्लो करेगी और हमारी स्किन जो है वो नीट हो जाएगी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये किस तरह का है। बिल्कुल हनी टाइप सा ही इसका वो टेक्सचर सा होता है। तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं इसका यूज़, हमें इसको किस तरह का जो है वो यूज़ करना है। आप इससे पहले अपना हाथ धो एक दफ़ा वॉश करके और फिर से अप्लाई करें अपने हैंड पर। और आपको यहाँ पर हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ उसको, आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको रब करते जाना। स्क्रब जो है वो हमेशा मतलब इतनी देर नहीं करनी चाहिए, तकरीबन 5-7 मिनट जो है वो बहुत होता है। और ये जो स्क्रब जो है वो पूरी बॉडी के लिए, आप चाहे हैंड पे लगाएं, फेस पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, तो आप इसको इस तरह करते जाएं बार बार। और फिर हल्के हाथों से साफ सा पानी भी लगाते जाएँ। जिस तरह आप करते जाएंगे ये और वाइट होता जाएगा, या पहले निकलेगा वो बिल्कुल गोल्डन सा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको और रबिंग करते जाते हैं तो इसका कलर भी जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको तकरीबन 5-7 मिनट जो है वो करते जाएं, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप लोग एक बार इसे यूज़ करेंगे आपको वाजिया जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आएगा, बहुत डिमांड में। देखिए मैं आपके सामने करती जा रही हूँ। अभी से जो है वो हाथ जो है मतलब फेल लगना शुरू हो रहा है, जब आप कर रहे होते हैं आपको उसी को पता चल रहा होता है कि हाँ कि कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो उसके बाद आप जो है इसको या वॉश कर लें या टिशू के साथ साफ़ कर लें। हल्के हल्के हाथ जो है वो आप करते जाइएगा इसको गीला। ये देखिए मैं आपको टिशू के साथ रिमूव करके दिखाती हूँ। इससे बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी। ये देखिए आपको जो है इसका एक वाजिया जो है फ़र्क नज़र आ रहा होगा दोनों हाथों को। इस पर मैंने लेफ्ट हैंड पे मैंने अप्लाई किया था आपके सामने और ये काफ़ी ज़्यादा नीट सा नज़र आ रहा है। अब रेल में भी देखेंगे तो आपको दोनों हाथों में जो वो अप्लाई जब करने के लिए करेंगे तो आपको साफ नज़र इसका जो है वो रिजल्ट नज़र आएगा। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी है, और आपने यूज़ कीजिएगा और अपना जो है वो फीडबैक जो है वो मेरे साथ लाजमी जो है वो शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।